मुजफ्फरपुर में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत, 7 साल पहले की थी लव मैरिज, पर्दे से लटकी मिली लाश। इस न्यूज के प्रायोजक करता है मेम साहब लेडीज वेयर सिटी सेंटर नियर ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। मुजफ्फरपुर में 27 वर्षीय महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना जिले के कोठनी थाना अंतर्गत तुर्की ओपी स्थित मठ के समीप की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों का भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची तुर्की पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, शव को फंदे से उठाकर कमरे की तलाशी ली। मृतका के मायके वालों को भी सूचना दी गई। इधर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मृतका की पहचान गांव के निक्की कुमार की पत्नी दिव्या देवी के रूप में हुई है। वर्ष 2016 में दिव्या इंटर में पढ़ती थी। वह भी इंटर में था, दोनों कोचिंग जाने के दौरान मिला करते थे। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों ने वर्ष 2016 में शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक था, लेकिन बाद में बिजनेस और बाइक के लिए दिव्या को प्रताड़ित करने लगा। तुर्की प्रभारी का कहना है कि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आवेदन मिलने के बाद जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला तुर्की थाना क्षेत्र में बड़कुरबा गांव पड़ता है, मठ के सामने। मेरी चाचा की लड़की वहाँ लव मैरिज की थी निक्की कुमार सोनी के साथ। ये लोग शुरू से ही 400 BC में रहा। पहले ये लोग का मकान आपको तेजपाल बिल्डिंग के पीछे अपना मकान हुआ करता था, लेकिन 400 BC के कारण यहाँ से बेच के लोग भाग गया। वो लोग वहाँ रह रहा है। मेरी बहन उससे लव मैरिज शादी की थी। बाद में ये लोग हंसी मजाक में बराबर कहा करते थे कि हमको बिजनेस करा दीजिए, गाड़ी दिला दीजिए, हम लोग उतना दूर से पैदल कैसे आ जा सकते हैं। तो हम लोग मजाक समझते थे। बहन से पूछते थे कि क्या कुछ चाहिए क्या, तो बोलते नहीं भैया, ऐसे ही मजाक करता है, आप ड्रिंक भी बहुत करता है, बराबर उसको मारता पीटता था। हम लोग को यह चीज़ की घटना की कोई जानकारी नहीं थी। पिछले होली में आया था तो इसी तरह कहा कि अब तो सब कुछ होइए, आप हमको गाड़ी दिला दीजिए, नहीं तो कोई बिजनेस करा दीजिए, वहाँ अलग लेके दिव्या को लेके अलग रहेंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप अलग कह रहिएगा, उसी घर में रहिए, आराम से रहिए, हम लोग करवा देंगे बिजनेस, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बैग इधर की घटना है कि हम लोग को कल दोपहर में फ़ोन की कि भैया हम घर आ रहे हैं, मतलब भाभी से बात हुआ, तो हम लोग को सूचना मिली थी। बोले कि सही बात है, हम लोग पूछे भी कि हम लोग आ जाए, कहते नहीं तो हम चले आएंगे आधा घंटा में, देवर के साथ चले आएंगे, शुभम नाम है देवर का। जब हम लोग सोचे कि आ ही जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएँ, तो जैसे ही शाम बीतता गया तो हम लोग बात को गौन किए कि थोड़ा बहुत हर एक परिवार में हंसी मजाक होता है, बात विवाद होता है। शाम को 6 बजे तुर्की परिवारी का फ़ोन आता है कि भूषण जी आपकी लड़की नहीं रही। रमजान के मुबारक महीने में आपके ईद को और ज्यादा खास बनाने के लिए आपके शहर दरभंगा में खुल गया है मेम साहब लेडीज वेयर। हमारा पता है सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। जी हाँ, मेम साहब लेडीज वेयर, जहाँ मिलेगा आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनर व फैंसी कपड़े, जैसे कि सूट पीस, प्लाजो, कुर्ती सेट, नायरा ड्रेस, गाउन, लहंगा चुन्नी, नकाब एवं अन्य सभी प्रकार के लेडीज वेयर। नए नए डिजाइन के साथ साथ शादी विवाह, ईद, छठ, दिवाली और अन्य सभी त्योहारों की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट मेम साहब लेडीज वेयर सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। यहां आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट डिजाइन से सबसे बढ़िया क्वालिटी, इसके साथ ही आपको मिलेंगे एकदम उचित मूल्य। तो इस बार की ईद मेम साहब के संग एक बार अवश्य पधारिए और मनाइए खुशियों से भरी ईद, छठ, दिवाली और अन्य सभी त्योहारों की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट मेम साहब लेडीज वेयर सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। यहां आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट डिजाइन से सबसे बढ़िया क्वालिटी, इसके साथ ही आपको मिलेंगे एकदम उचित मूल्य। तो इस बार की ईद मेम साहब के संग एक बार अवश्य पधारिए और मनाइए खुशियों से भरी ईद। हमारा पता है सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। मोबाइल नंबर 9234772764। मेम साहब की ओर से आप सभी को रमजान और ईद की ढेरों शुभकामनाएं।